नमस्कार, IBN 24 पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मोहित गोयत इस वक्त रोहतक में है और मेरे साथ हरियाणा कुश्ती संघ के राज्य प्रधान रोहतास हैं, साथ में अंतर्राष्ट्रीय पहलवान हैं नरेश कुमार, वो हमारे साथ हैं। तो एक हरियाणा के अंदर एक टूर्नामेंट का आयोजन जो है रोहतक के अंदर किया जा रहा है, सर क्या कुछ है थोड़ा उसके बारे में बताइए। जो हरियाणा में ये नेशनल होने जा रहा है, ये एक विशेष नेशनल है क्योंकि इसमें हिंदुस्तान के टॉप 10 खिलाड़ी ही लिए जाते हैं। बाकी तो वैसे हर वेट में हर कम से कम एक राज्य से 30 खिलाड़ी आते हैं, लेकिन इसमें पूरे हिंदुस्तान के सिर्फ टॉप 10 खिलाड़ी लिए जाएंगे क्योंकि ये जो पेरिस में ओलंपिक होने जा रहा है उसकी तैयारी के लिए खिलाड़ी यहाँ से सेलेक्ट किए जाएंगे। ये माननीय सांसद श्री बृजभूषण जी ने अपने एक विचार से कहो या उनकी एक दिशा निर्देश से कहो, और भारत सरकार का भी इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से भी ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि एक इस तरह का नेशनल करवाओ जिससे टॉप 10 खिलाड़ी सेलेक्ट किए जाएं विभिन्न विभिन्न राज्यों से, और उनका कैंप लगा के अब ओलंपिक के लिए जो अध्यक्ष जी का मिशन है मिशन गोल्ड इन ओलंपिक, ताकि उसके लिए हरियाणा राज्य, इसलिए हमने ये तीसरा नेशनल करवा रहे हैं विद इन 5 मंथ्स के अंदर ही। क्या ये जिम्मेदारी आपको सरकार की तरफ से दी गई है कि ओलंपिक के लिए नहीं, खेल देखो या खेल, अपने संगठन की तरफ से एसोसिएशन की ये हमारे जो भारतीय कुश्ती संघ जो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है वही अलॉट करती है सभी राज्यों को, और उन्होंने ही हमारे को अलॉट किए हैं। इसमें किसी भी खेल का, कुश्ती का ही नहीं, किसी भी खेल का अलॉटमेंट या करवाना या ऑर्गेनाइज करवाना उसमें कोई भी, चाहे राज्य सरकार हो चाहे सेंट्रल सरकार हो, उनका हिस्सा नहीं होता। उनका ये हिस्सा होता है जब वो खेलो इंडिया या दूसरे बड़े बड़े नेशनल गेम्स हैं वहाँ सरकारें डायरेक्ट रूप से आती हैं। इनमें इनडायरेक्ट रूप से जिस तरह हमारा प्रशासन में सहयोग दे देते हैं, हम स्टेडियम लेते हैं उसमें सरकारी स्टेडियम ही होते हैं, तो इस तरह की सुविधाएँ सरकारें सभी राज्यों में देती हैं और हमारे को भी मिलती है। बाकी अंतर्राष्ट्रीय पहलवान नरेश है सर, मैं आपसे दोबारा लूँगा। सर आपसे मेरा सवाल क्या है कि जिस तरह से स्टेडियम का इन्होंने जिक्र किया हम वहाँ से लेते हैं, लेकिन आज के हरियाणा में स्टेडियम के जो हालात हैं वो बद से बदतर है, वहाँ खिलाड़ियों के लिए वॉशरूम तक नहीं होते, उस उन चीज़ों से, उन चुनौतियों से खिलाड़ी कैसे लड़के और यहाँ तक पहुँचेंगे, आप क्या मानते हैं? क्योंकि आपने कई देशों का टूर किया है और आप एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे, तो आप कैसे देखते हैं उन चीज़ों को? क्योंकि रोहतक में राजीव गांधी स्टेडियम हो या छोटा स्टेडियम हो तो मुख्य स्टेडियम है, लेकिन वहाँ हालात है वॉशरूम के वो बद से बदतर। देखो मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कुछ, कि आपने अच्छा क्वेश्चन किया है और ये इस क्वेश्चन के द्वारा सरकार में भी एक संकेत जाएगा कि भाई ये चीज़ें पहले क्या था, पहले ऐसा नहीं था, पहले तो बिल्कुल भी कोई सुविधा ही नहीं थी। अभी जो ये सरकार आई है, BJP गवर्नमेंट आई है, इन्होंने खेल के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया है और ध्यान देने की वजह से धीरे 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 वो चीज़ें सुधार में आ रही हैं, उन चीज़ों में फ़र्क पड़ता जा रहा है। स्टेडियम को सुधारा जा रहा है, वहाँ पे कोच लगाए जा रहे हैं, उनकी देख रेख की जा रही है और मेंटेनेंस की एक टीम बनाई जा रही है। पहले हम जब यहाँ, मतलब कुछ ही समय पहले हमने जो ट्रेनिंग करी थी उस टाइम पे कोई ऐसी सुविधा, स्टेडियम बहुत छोटे छोटे स्टेडियम थे, वो भी मुख्य मुख्य स्थानों पर थे, हर गाँव में कोई ऐसा स्टेडियम नहीं था। अभी गाँव गाँव तक सरकार ने स्टेडियम पहुँचाए हैं, खेल की व्यवस्था करी है और सारी चीज़ें। देखो एक मेरा मानना ये है कि भाई पहले कुछ करके दिखाएं तो सरकार भी कुछ कर ही रही है। सर एक सवाल मेरा बीच में ये है, जो स्टेडियम के वॉशरूम में चाहे वो राजीव गांधी का हो चाहे वो छोटा स्टेडियम का, हम रोहतक में खड़े हैं तो रोहतक की बात करेंगे, वहाँ वॉशरूम की सुविधा ना तो इतनी अच्छी, उसके साथ ही जो सिरिंज है, नशे की सिरिंज है जो खिलाड़ी लेते हैं, उनका प्रचुर मात्रा में, उससे किस तरह से लड़ोगे, खिलाड़ी किस तरह से मोटिवेट करोगे कि वो नशे की तरफ ना हो? नहीं ऐसा कुछ अभी तक सामने आया नहीं है देखने को, या आपने क्वेश्चन किया है तो मैं इसका जवाब देता हूँ। और जो भी हर स्टेडियम में स्पोर्ट्स डायरेक्टर नहीं है, हर ज़िले के DSO वगैरह होते हैं जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, तो वो इस चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं और ऐसा नशे की तरफ ऐसा कोई खिलाड़ी अभी तक कोई गया नहीं है। आपने मेरे को क्वेश्चन किया तो मेरे को तो अभी तक इस चीज़ का मालूम नहीं है कि भाई खिलाड़ी ऐसे। सरकार जो है कुश्ती को आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग कर रही है, प्रोत्साहन कर रही है खिलाड़ियों को, लेकिन जब बजरंग पुनिया जो है ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आते हैं, मेडल लेकर हरियाणा की जोड़ी में डालते हैं, तो हरियाणा के जो खेल मंत्री है संदीप सिंह, उनकी तरफ से एक घोषणा की जाती है खुटन गांव में, जो बजरंग पुनिया का पैतृक गांव है, कि यहां एक इंटरनेशनल स्तर का स्टेडियम बनेगा लगभग 11 करोड़ की कीमत से, लेकिन आज तक वहां एक ईंट भी नहीं लगी। तो क्या ये खिलाड़ियों को डीमोटिवेट करने वाली घोषणा ही नहीं, कि घोषणा करके उससे आप किस तरह से खिलाड़ियों को मोटिवेट कर पाओगे कि सरकार दूसरी तरफ जा रही है, आप खिलाड़ियों को ओलंपिक के लिए तैयार करना चाहते हो, तो क्या एक मिसकम्युनिकेशन नहीं है खिलाड़ियों के साथ?
ये सवाल आपका खाली कुश्ती के लिए हर एक गेम के लिए है, मगर मैं ये कहना चाहूँगा जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है उस विजन के तहत हो सकता है। एक तो हमारा देश बहुत बड़ा है, जितना हम एडवांसमेंट लेके चल रहे हैं तो विदेशी तर्ज पे डिजिटलाइजेशन बनाने का, हो सकता है वो सुविधा बनाने में और वो वहाँ तक मेन रूट तक पहुँचाने में हमें थोड़ा समय लग जाए, लेकिन सरकार का विजन सही है, चाहे वो खिलाड़ी के लिए है, चाहे बिजनेसमैन के लिए, जनता के लिए। लेकिन खेल एक ऐसा विषय है जिससे हमारा समाज बहुत सुरक्षित और सेफ और चरित्रवान बनता है, तो ये मैं ये तो नहीं कह रहा, कोई त्रुटि नहीं निकाल रहा सरकार की, लेकिन जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम बेटर लेवल पे करेंगे सरकार की ओर से, तो हिंदुस्तान का झंडा खाली कुश्ती में ही नहीं, मेरे ख्याल में हर गेम में फहराने के लिए हमारे पास पर्याप्त खिलाड़ी हैं। कितने खिलाड़ी होंगे सर इस गेम में, कितने खिलाड़ी हिस्सा लेंगे इस टूर्नामेंट के अंदर? लगभग 700 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, सभी राज्यों से अलग। तो ये हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे और इन्होंने बताया कि इस जो टूर्नामेंट है, इस टूर्नामेंट में लगभग 700 खिलाड़ी जो पूरे भारतवर्ष से हिस्सा लेंगे, जो हर स्टेट के टॉप 10 खिलाड़ी हैं वो खिलाड़ी जो इसमें हिस्सा लेंगे, और हर टीम में एक स्टेट का एक खिलाड़ी ही खेलेगा। अलग अलग वेट कैटेगरी में हो सकता है, एक स्टेट के चार खिलाड़ी भी हो सकते हैं, लेकिन हर कैटेगरी में एक खिलाड़ी ही एक स्टेट से होगा। तो आप लोगों से अपील रहेगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, तस्वीरें आप IBN24 पर रोहतक से देखें। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।